I said touch. Hey guys, welcome back to our new vlog. So अभी सुबह के बजे 10 और हम लोग अभी मैं और अभिनंदन वंडरला जा रहे हैं. फाइनली हम लोग वंडरला वाटर पार्क पहुँच चुके हैं. यहाँ पे पहले है ना टिकट लेना पड़ेगा, तो भैया बोले थे अप्रॉक्स 1000 के अप्रॉक्स में इसका प्राइस हुआ टिकट का. तो अभी यहाँ पे टिकट लेने के लिए ना अभिनंदन गया हुआ है. तो एक पर पर्सन वन टिकट का दाम 1149 रुपया लग रहा है. तो है ना टिकट का प्राइस तो बहुत ज़्यादा ही है. अभी यहाँ पे टिकट काउंटर पर भीड़ भी बहुत ज़्यादा लगा है. तो अभी यहाँ पे 10 मिनट से है ना खड़े हैं. तो ये बाहर मौसम भी है पूरा ठंडा है, पूरा बादल लगा हुआ है, क्योंकि कल रात में खूब बहुत तेज बारिश हुआ था. तो अभी देखते हैं अभिनंदन का और कितना टाइम लगता है. हाँ तो अभी अंदर आ चुके हैं पूरे अच्छे से. वहाँ पर गेट के पास है ना बैग भी चेक किया गया, क्या ना क्यों इधर कोई आस पास कोई और सा सामान ले जाए. तो यहाँ पर पूरा दो टिकट एक और एक सिक्योरिटी की का ना की ले लिया हूँ. ठीक गाइस, तो अभी है ना पूरा अच्छे से वाटर पार्क में है ना पूरा जितना कूलर है उस सब में पूरे अच्छे से घूम लिए हैं. तो यहाँ पे आए हुए अप्रॉक्स 2 से 3 घंटा हो गया है. तो यहाँ पे बस वो मेरे पास एक्शन कैमरा था, उससे है ना वाटर के अंदर है उससे वीडियो बनाए हुए. तो अभी है ना कुछ भूख लगा हुआ है, अभी आए हुए हैं यहाँ पे कुछ खाने के लिए. जितना है ना ऑर्डर किए थे उससे तो पेट नहीं भरा, तो और घूम घूम के देखते हैं और क्या कहाँ क्या क्या मिलता है. तो चलते हैं घूमते हुए. तो पीछे इस साइड तो है ना पूरा अच्छा, छोटे बच्चों के लिए भी है, यहाँ पर स्विमिंग के लिए कर सकते हैं. यहाँ पे वेव आता है, यहाँ पे और ज़्यादा मज़ा आता है. यहाँ पे तो हम लोग मस्त आ किए. इस साइड भी है और उस साइड भी, उस साइड थोड़ा बड़ा है और इस साइड थोड़ा छोटा है. तो अभी हम लोग खाने की तलाश घूमते हुए. तो यहाँ पे हम लोग को कुछ खाने का मिला, मगर हम लोग सोचे क्या कहें कहीं और जाके देखते हैं, कहीं इससे ही अच्छा खाने को मिल जाए. यहाँ पे है ना वंडरला वाटर पार्क में इतना बड़ा झूला है जो हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते इस पर चढ़ने के लिए. यहाँ पे ये बच्चों के लिए, इधर रेलवे का भी कुछ है, इधर है ना एक चिलीज रेस्टोरेंट है. तो चिलीज रेस्टोरेंट में भी देख लेते क्या इसका मेन्यू क्या है. तो चलते इसके अंदर, तब देखते क्या क्या मिलता है. तो यहाँ पे है ना आए खाने के लिए. तो यहाँ पे अच्छा मेन्यू से अच्छा ये है कि एक प्लेट अपना लगा दो, इसके हिसाब से अपना देख लो कि क्या कैसे मिलता है. तो अभी फिलहाल है ना हम लोग ऐसे सब कुछ देखते देखते घूमते घूमते है ना सब कुछ दिखाते हुए, ये रहा ऊँचा ये रहा घूमता है. देखते हम लोग का उतना क्रेज नहीं है जो हम उस पर बैठ पाए. और ये है ना बच्चों के लिए है झूला वूला है. और फिर ये पता नहीं क्या हमारा अभी है ना क्लोज हो गया है वो. और इधर अभी है ना बच्चों के लिए ये सब है. तो है ना आप लोग के लिए इतना वीडियो ला रहे हैं, तो इसके लिए है ना आप लोग एक लाइक तो जरूरी कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा. तो अभी फिलहाल हम लोग है ना आगे बस घूमते फिरते हैं ना आगे बस बढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसा झूला है बस जो टीवी पर देखा करते थे, तो बस वो सारा झूला सब है जिस पर हम लोग चढ़ नहीं सकते हैं. बस चढ़ने सोच भी नहीं सकते कि इस पर जाना है हमको. तो बस दूर से ही बस देख लेते हैं इसके बाद चलेंगे. ये सो गया है मछली. तो ये भी एक झूला ही है जो बहुत ऊंचा है. तो यहाँ पे है ना एक यहाँ पे ऐसा ऐसा झूला है जिस पे हम लोग को चढ़ने का कोई क्रेज नहीं है.
हाँ इतना खतरनाक, कभी नहीं कभी नहीं। बताया था बहुत खतरनाक है, हम लोग के सोच से भी ऊपर का झूला है ये सब, तो इस सब में कभी राइड नहीं करना चाहिए हम लोग के जैसे बच्चे को। पता चला रास्ते में चल गए हम लोग। तो ये भी हम लोग के है ना सर के ऊपर से वाला झूला है, जो जैसे हम लोग के बच्चे को है ना इस पे भी, इस झूले पर भी नहीं चढ़ना चाहिए। तो यहाँ का है ना पीछे का व्यू देख सकते हैं, अभी मैं ना ऊपर से रस्सी वाले से है ना ऊपर आया हूँ, तो यहाँ का व्यू देख सकते हैं कितना मस्त सा है। ये यहाँ पे छोटा सा है ना झरना टाइप का, ये इधर है ना ये जो ट्रैक है, ये वाला ट्रैक ये रेल के लिए बना हुआ है, ट्रेन छोटा सा ट्रेन जो होता है। फिर इधर पता नहीं क्या है ये इसके अंदर भी नहीं गया हूँ मैं। बाकी है बहुत ऑसम पेल, बहुत ऑसम सा मस्त अपना जगह है ये। छोटा वाला पुल है, ये बस है डार भर तक आए पानी है, तो इसके अंदर है मोबाइल के अंदर आ गए हैं, तो है ना इतना ज़्यादा जिसमें ज़्यादा क्राउड हो रहा है, तो चलते हैं उस वाले में जिसमें व्यू आता है ना उस वाले में चलते हैं। तो वहाँ पे है ना बस वीडियो होगा क्यों एक्शन क्या बात है, तो चलते हैं इसमें बस है छोटा सा है ना शॉर्ट सब ले लेते हैं, तो क्या चलेगा। हम लोग अच्छे से है ना पूरा अच्छे से घूम लिए हैं, फिर अब व्यू वाले में चलेंगे, तो वहाँ पर अच्छे से घूम के फिर चलेंगे वापस घर। फाइनली हम लोग वाटर पार्क से घूम के और उस वाले ऊँचे वाले में झूले पर जा रहे हैं, और झूलना तो है नहीं बस है ना वीडियो शूट करने के लिए ऊपर जाएंगे, तो वहाँ का नज़ारा भी देख लेंगे कि वहाँ से हम कैसा व्यू आ रहा है। तो अभी वंडरला के सबसे टॉप वाले सबसे ऊंचा वाले झूला के सबसे टॉप वाले बिल्डिंग पे आए हुए हैं, तो यहाँ से वंडरला का व्यू मस्त सा लग रहा है। और फिर है ना इधर पीछे है ना पहाड़ सब है, मैसूर का पहाड़, और इस साइड पूरा जंगल है, ये पूरा इस साइड पूरा जंगल है, फिर जंगल के उस साइड फिर से है ना फिर टाउन है, जो यहाँ से है ना जो पीछे जो टाउन है यहाँ से तो मस्त लग रहा है। बाप रे बाप मनीष, है ना चारों जो टॉप पे आए हुए हैं, तो यहाँ पे चारों साइड है ना पहाड़ी पहाड़ दिख रहा है, और जो यहाँ से जो बिल्डिंग का नज़ारा है एकदम मस्त आ रहा है, ऐसा है ना लग रहा है कहीं है ना फॉरेन में हम लोग हैं। तो है ना ये यहाँ पे जो फोटो शूट करेंगे इसका जो फोटो शूट करूँगा इसका ये सब फोटो है ना मैं अपने इंस्टाग्राम ID अकाउंट पर डाल दूँगा, तो है ना आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को जरूर से फॉलो कर लीजिएगा, तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा। तो यहाँ से एकदम लग रहा है हाँ फॉरेन में आए हुए हैं, जब चारों तरफ पहाड़ बीच फिर बीच में है ना बहुत अच्छा खासा टाउन, ये नहीं कि छोटा मोटा टाउन है बहुत बड़ा टाउन है, यहाँ से लग रहा है हाँ पूरा है ऊँचा ऊँचा बिल्डिंग सब, और बीच में फिर से पहाड़ एक जंगल, और फिर एक साइड से फिर पहाड़, फिर है ना अब
यहाँ पे था फोटो शूट करते हैं, उसके बाद सीधा चलेंगे नीचे, फिर चेंज करेंगे कपड़ा उपड़ा, उसके बाद सीधा घर की ओर। तो अभी फिलहाल है कपड़ा उपड़ा चेंज करके और है ना म्यूजिकल फाउंटेन में जा रहे हैं। तो भैया बोले थे वहाँ पर है जरूर चले जाना। हाँ तो अभी है ना आ चुके हैं वंडेला म्यूजिकल फाउंटेन के अंदर में। तो यहाँ पर अभी है साउंड चल रहा है जिस वजह से ये कॉपीराइट हो सकता है, तो इसको तो है ना थोड़ा सा है ना आवाज़ को कम कर दूंगा। तो अभी है थोड़ा सा टाइम है 2-4 मिनट का, तो है ना कुछ टाइम के बाद है ना वन, ये एक थिएटर जैसा लग रहा है, तो ये है ना कुछ टाइम के बाद वन हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो है ना स्टार्ट होते ही है ना मैं इसका अगर वीडियो का अलाउड करते हैं तो मैं इसका है ना ब्लॉग अपने ब्लॉग में जरूर से जरूर डालूंगा। Relax, enjoy the show. Say, let's start! के म्यूजिक फंक्शन में गए थे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया। वहाँ पे मैं मोबाइल का है ना स्टोरेज भी फुल हो गया था, जिस वजह से मुझे है ना पिछला कुछ वीडियो है डिलीट करना पड़ा। तो अब यहाँ से सीधा चलते हैं घर, और है ना घर पे है ना अच्छे से है ना फ्रेश वेश होके फिर है ना ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। और इस वीडियो का भी दो पार्ट हम कर लेंगे, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा वीडियो हो गया। आई होप आपको है ना ब्लॉग मेरा ब्लॉग एंड इंजॉय कर रहे होंगे। तो सीधा चलते हैं घर।